और मीटर रीडर के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मीटर रीडर के द्वारा घूस का पैसा लेने के बाद भी नौकरी ना देने और पैसा मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर झूठी शिकायत की गई और विभाग की बदनामी की गई तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। दरअसल मामला शहर संभाग में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा और कार्य से निकाले गए मीटर रीडर रोहित मिश्रा के बीच का है। विभाग के अधिकारियों ने रोहित मिश्रा पर आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान उक्त मीटर रीडर ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल कम करने के नाम पर वसूली की थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके चलते वह अब मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। वहीं मीटर रीडर विगत एक माह से चौथी बार शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर रिश्वत के पैसे ना लौटाने और मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि उक्त मीटर रीडर के ऊपर पहले से ही अमहिया थाने में शिकायतें की गई हैं। उक्त शिकायतें उपभोक्ताओं का पैसा हजम करने के बाद विभाग की तरफ से की गई थी। उक्त शिकायतों के बाद मीटर रीडर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया है। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिवक्ता वीके माला ने जहां अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की मांग की है, वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी दोषी मीटर रीडर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी लाइट बंद कर देंगे, हम कहेंगे फिर नहीं बंद कर दी, कोई बात है? एक सक्षम अधिकारी ये शब्द कह रहे हैं। ज्ञापन सौंपे आज माननीय आयुक्त महोदय को, इस आशय का एक ज्ञापन पत्र दिया गया है कि रीवा जिले में एक घटना एमपीवी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें श्री नरेंद्र मिश्रा जी द्वारा 20,000 की रिश्वत के विषय को उठाया गया था। उसकी वीडियो आई है, उसकी साक्ष्य के संदर्भ में वीडियो आई है, संबंधित व्यक्ति इनके साथ घटना कारित हुई थी। घटना के संदर्भ में इनके पास कई टांके लगे हैं, टांके लगने के साथ ये प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराने के संदर्भ में, FIR दर्ज कराने के संदर्भ में संबंधित थाने को आवेदन दिया। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा आज दिनांक तक इनके विरुद्ध इनके संबंध में FIR दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में पुलिस प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को इस आशय का आवेदन इनके द्वारा कई बार दिया गया, पर आज दिनांक तक FIR दर्ज नहीं की। इस संबंध में आज आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित कराया गया कि MPV में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध और संबंधित उपभोक्ताओं के विषय को लेकर, मीटर को लेकर या अन्य प्रक्रिया को लेकर एक सोची समझी साजिश रची गई है और उनको परेशान किया गया, जिसकी ऑडियो वीडियो है, और वो ऑडियो वीडियो के विषय को लेकर एक घटना कारित हुई थी, जो घटना ये इनसे संबंधित लिंक करती है, संबंधित है। उस घटना को दबाने के लिए कूट रचित तरीके से साजिश रची जा रही है। उस साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, ये चाहते हैं कि साजिश का उजागर नहीं होना चाहिए। हमको भी इनके माध्यम से संज्ञान में लाया गया है, ये हमारे चैम्बर गए हैं और इन्होंने एक आवेदन हमको दिया है। युवाओं के नाते, हमारी युवाओं की एक टीम है, इस नाते हमने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है और माननीय आयुक्त महोदय को इस घटना के संदर्भ में हमने आज अवगत कराया है और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो, चाहे दोषी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो MPV का आदमी हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे जो कोई व्यक्ति, कानून को किसी को हाथ में लेने को किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो। यदि उपभोक्ताओं के साथ, यदि किसी कर्मचारी के साथ, किसी आम जनता के साथ यदि अत्याचार होता है, गलत होता है, तो उसका डट के विरोध किया जाएगा, चाहे वो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रीवा बंद कर दे, चाहे MPV बंद कर दे, चाहे जो बंद कर दे, कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वाले को सिविल सेवा आचरण के नियमों में रहना चाहिए और वो तनख्वाह पाता जनता का, जनता का सेवक है, जनता के लिए काम करता है। तो जनता के विरुद्ध कोई काम करेगा तो ऐलानिया जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और यहाँ से CM हाउस तक बेरोजगार युवा रोजगार के लिए और संबंधित विषय को लेकर जाएंगे। हम लोग चाहते हैं सर, थाना विश्वविद्यालय में शायद वो FIR कराने की मांग करने गए थे, उनको तत्काल हम लोग जो बयान दे रहे हैं वहाँ चले जाए, लेकिन उनको निर्देशित किया जाए जब तक बिना जाँच,
कि आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे? इस मामले में क्या है कि परसों एक पूर्व मीटर रीडर जो था शहर का, उसमें शहर संभाग में था वो, उसको नौकरी से निकाला गया था उसकी गंभीर अनियमितता, गलत मीटर रीडिंग, उपभोक्ताओं से पैसे खाने की शिकायतों के बाद, जिस वजह से वो काफ़ी दिनों से मनगढ़ंत मीडिया वगैरह से बाद उसे कार्यपालन अभियंता श्री नरेंद्र मिश्रा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा के, उसके बाद कलेक्टर और एसपी ऑफिस में पूर्व में भी उसने कहा कि घूसखोरी मीडिया से पैसे लिए हैं और उसकी भी FIR उसने दर्ज कराने की कोशिश की थी। जब उसमें उसको सफलता नहीं मिली, कोई तथ्य सामने नहीं आया, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी रची कि परसों रात उसके ऊपर चाकू से हमला कार्यपालन अभियंता नरेंद्र मिश्रा जी ने करवाया है, जो कि पूरी तरह से मनगढ़ंत है, तथ्यहीन है, जो कि खुद ही दोषी है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। कई उपभोक्ताओं को इसने मीटर भी गलत मीटर रीडर पैसे खाने के कारण बाहर हुआ है, ब्लैक लिस्ट हो गया है। उसके द्वारा मनगढ़ंत ऐसी कहानियां रच के उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। मीटर रीडर द्वारा जो ऑडियो उपलब्ध कराया गया उसमें आपके जो भी JED जो भी है उसमें पैसा लेन देन का जिक्र किया गया और 8000 पहुंच जाने का, ऐसा आईडियो क्या है? कोई आईडियो तो आया नहीं है जिसमें कि ई साहब की कोई आवाज हो या उनसे बात की गई हो। अब किसका क्या आईडियो, उसकी भी सत्यता की जांच हो जानी चाहिए, उसमें कोई वैसा विरोध नहीं है ना। ठीक है, क्या विषय है? विद्युत विभाग से संयुक्त मोर्चे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल जो है एक व्यक्ति ने इस बात की रिपोर्ट आने में दी है कि उसको MPB के अधिकारी ने अपने कुछ साथियों के साथ में चाकू मार दिया है, जिससे वो घायल हो गए हैं और उनका मोबाइल छीन लिया है। एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय थाना में की, विश्वविद्यालय थाना ने उनकी रिपोर्ट पर उनकी डाक्टरी करवाई है और उनकी मैटर जो था उस मैटर में जांच की आवश्यकता थी, तो इसलिए उनको आदेशित किया गया कि पहले प्रकरण को सत्यापित कर ली जाए घटना को, उसके बाद भी जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार कार्रवाई। अभी इस मैटर में जांच चल रही है, इसी संदर्भ में संयुक्त मोर्चा ने भी जो है ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को भी हम शामिल करेंगे, उनके तथ्यों को भी रख करके जाँच के अनुसार जो विषय वस्तु सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे।